केंद्रीय बजट में मूल्य स्थिर रहने का हो प्रावधान। केंद्रीय आम बजट पर सबकी नज़र रहती है, हर आदमी अपेक्षा रखता है कि इस बार के बजट में कुछ ऐसा होगा जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। खुदरा व्यवसायियों से वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने बात की तो लोहा कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने कहा कि दाम में स्थिरता आनी चाहिए। जी हाँ, आप लोहे के थोक व्यवसायी हैं, आपका क्या परिचय हुआ? नाम राहुल कुमार हुआ, मेरे लोहे की दुकान है, स्ट्रक्चरल स्टील। कहाँ है, क्या नाम है? पुरानी गुदरी, बुलबुल स्टील ट्रेडर्स। अच्छा, तो अभी वित्त विभाग से आप क्या चाह रहे हैं? अभी नए ये हो रहे हैं तो इसमें आपका क्या सोच है, क्या डिमांड है? मूल्य नियंत्रण कुछ होना चाहिए जिससे कि आगे जो छोटे व्यापारी हैं उनको सुविधा हो सके। अभी दाम बहुत ज़्यादा लोहे का बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए जिससे कि छोटे व्यवसायियों को फायदा मिल सके। तो मूल्य नियंत्रण के लिए क्या कैसे करना पड़ेगा? ये तो अब सरकार को देखना है कि भाई किस कारण से ये मूल्य बढ़ा हुआ है, ये तो हम लोग के स्तर की चीज़ है नहीं। टैक्स और जीएसटी जो है इस पर कुछ नहीं? टैक्स और जीएसटी ये तो सरकार के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको उसको भी सरकार चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये मूल्य नियंत्रण पर कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मूल्य में जो अनाप शनाप वृद्धि होती है इस संबंध में मतलब आपको ये कहना है कि इसका नियंत्रण होना चाहिए। जी चलिए, धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम अरविंद कुमार, हम एक ग्रिल व्यवसायी हैं। अभी कोरोना काल में लगातार हमारा व्यवसाय बंद था और कोरोना काल के समय का जो ऑर्डर लिए थे उसके बाद भी जो ऑर्डर ले रहे हैं उस समय काफ़ी नुकसान हो रही है। सरकार लगातार लोहा का रेट बढ़ाती जा रही है और इस लोहा का रेट बढ़ने से अभी की परिस्थिति यह आ गया है कि जिस रेट में हम लोहा परचेज करते हैं उससे कम दाम में हमको मजदूरी कर करके बना करके देना पड़ रहा है। अब हम लोग की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, सरकार द्वारा हमारा कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है। इस कोरोना वित्त मंत्री से अभी आप बजट जो पेश होने वाली है इसमें क्या चाहेंगे, टैक्स जीएसटी या और क्या कुछ मूल्य निर्धारण क्या? सरकार से हमारी अपेक्षा है कि लोहा का दर जो है सो कम से कम 2-3 महीना तक के लिए स्थायी किया जाए। प्रतिदिन लोहा का रेट बढ़ने से हम लोग छोटे व्यापारी को लगातार नुकसान झेलना पड़ता है। ये अभी की बात नहीं है, बीच बीच में भी इस तरह का नौबत हम लोग को झेलना पड़ता है, लेकिन अभी लगातार हम लोग कोरोना से लेकर के अभी तक लोहा का दर बढ़ने से झेलना पड़ रहा है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। चलिए धन्यवाद। मेरा नाम इकबाल अहमद है। मेरी साइकिल की दुकान है, जेके साइकिल स्टोर, जो अखाड़ा घाट 0 माइल पर है। हम सरकार से यही वित्त मंत्री से आग्रह करते हैं कि ये जो साइकिल पार्ट्स पर 12% है, ये टायर ट्यूब की तरह जो साइकिल पार्ट्स पर साइकिल के टायर पर 5% है, वही लोहा पार्ट्स पर भी 5% जीएसटी होनी चाहिए क्योंकि ये गरीब के चलने की सवारी है और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि ये सबको 5% ही कर दिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा, मैं एक कपड़ा व्यवसायी हूँ। अच्छा, क्या आप वित्त मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं बजट के दौरान? सर इस महामारी के समय में क्या कहते हैं, जब वित्त मंत्री से तो यही आग्रह रहेगी जो कपड़ा दुकानदारों को जो कर से मुक्त किया जाए क्योंकि इस बार लॉकडाउन में सारा बिजनेस ठप हुआ, इस बार सीजन भी वैसा साथ नहीं दिया। अच्छा, तो आप सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि टैक्स मुक्त हो? जी, टैक्स मुक्त किया जाए ताकि आगे भी हम लोगों को व्यवसाय करना है और हम लोग जिंदा रह सके, व्यवसाय कर सके। ठीक है, धन्यवाद। मित्रों, मोमेंटस क्लब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी।